गाइस गुड मॉर्निंग और व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मम्मी की आज तबीयत खराब है तो आज मैंने कहा कि आज मैं पूरा व्लॉग मैं बनाऊंगा तो आज का सारा व्लॉग मैं ही बनाऊंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और अभी मैं थोड़ी देर में काम में लगूंगा तो आपको मैं जब मिलता हूँ। देखिए गाइस टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं और आज जरा हमने कर ली है छुट्टी और मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मैंने कहा कि चलो आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। मम्मी यहाँ लेटी हैं, अनुराग वो लेटा और मैंने थोड़ा बहुत घर का काम कर दिया है अच्छे से। और मेरी एक ये पैंट रखी थी, मैंने सोचा कि आज चलो इसकी थोड़ी फिटिंग को दे के आते हैं, फिटिंग अंकल वो कर देंगे मेरे। अब मैं 2 बजे देखता हूँ, जल्दी चलते हैं वरना कहीं दुकान मिल जाएगी पॉपट हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। तो गाइस मैं आपको वहाँ पहुँच कर दिखाता हूँ, अभी वीडियो बनाने लगा तो लेट हो जाऊँगा। ठीक है भाई। गाइस मैं जो नहीं चाह रहा था कि ना हो वही हो गया, मेरा पोपट हो गया, दुकान निकली बंद, पैंटी मेरी हाथों में कहीं झूठ समझ रहे हो, मेरा यार दिमाग ख़राब हो गया। मैं सोचा था कि आज फिटिंग विटिंग करवा के कपड़े वपड़े पहन के रील वील बनाऊँगा, कुछ ही नहीं होगा। अब चलो यार अपना नहा धो लेते हैं, सिंपल कपड़े ही पहनते हैं, रील वील जब देखेंगे जब हमारी पैंट फिटिंग हो जाएगी। हाँ देखो दिमाग ख़राब हो गया, चलो घर जाके बात करता हूँ आपसे। देखिए गाइस मैं नहा धो के हो गया था तैयार और टाइम हो गया है 3:04 और क्या कहते हैं मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब, मैंने कहा कि चलो आज आराम करने देता हूँ उनको। और हम लोग कह रहा भाई भूख लग रही है, मैंने कहा भाई चल कुछ रात की सफाई दिखा दो। अभी जरा मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज बनाता हूँ पास्ता, ग्रेवी आला सोच रहा हूँ मैं, ग्रेवी आला बना सकते हैं, उसमें कुछ ही नहीं करना, फिर बस थोड़ा सा छोका लगाना है, पहले ग्रेवी बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसे देख के नहीं बना रहा, दिमाग तो देख के बना रहा, सोच रहा हूँ कि 2 टमाटर 4 प्याज ठीक है के लिए 2 मिर्च थोड़ा सा लहसुन, लहसुन नहीं लहसुन बाद में डालूँगा तड़के के टाइम, तो मैं 2 टमाटर 4 प्याज लेकर उसे पीसूँगा और उसको मैं बनाऊंगा पेस्ट, इतने में वो उबालने के लिए रख दूंगा। अभी कुछ नहीं करा मैंने, देखो अभी थोड़ी किचन ही संभाली है। और फिर मैं क्या करूंगा कि फिर मैं बाद में दिखाऊंगा क्या करूंगा, अभी बता दूंगा क्या रह जाएगा। चलो पहले मैं ये काम करता हूँ, पहले चीज़ें लेकर आता हूँ मैं। देखो भाई मैं सामान लिया, 4 प्याज 2 मिर्च 2 टमाटर और लहसुन थोड़ा बाद में, लहसुन रह गया, लहसुन गायब हो गया गाइस ना, ये रहा थोड़ा सा लहसुन 2 कली, अरे कितने भग रहा भाई। अब इसका मैं पहले काटूंगा फिर पीसूंगा, इतने में वो चढ़ाऊंगा उबालने के लिए, अभी तो यहाँ कुछ नहीं है भाई। और थोड़ी सी मैंने किचन से मंगवाई है यहाँ पे, तो चलो पहले से काटते हैं। देखो गाइस पास्ते की तैयारी कर दी मैंने, ये देखा ही नहीं कि पास्ता है कि नहीं, उनसे ये आज भूल हो गई है। अब पहले देखता हूँ जैसी याद आया जैसे फ़ोन उठाया, यार पहला रिएक्शन गाइस को दिखाना को पहले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात ये बात है, अरे सर क्या बात हो गया पोपट। मैं ऐसा एक चीज कर सकते हैं, यूट्यूब देखता किस चीज करते हो, यूट्यूब पे सर्च कर दो तो थोड़ी देर बाद मिलता होगा गाइस। मैंने ठान लिया था कि आज पास्ता बना के रहूंगा तो बना के ही रहूंगा। और मैंने दादा से पैसे ले लिए हैं और दादा का एक सामान भी है, पहले वो लेना, थोड़ा दुकान का सामान है। और दादा से मैंने 50 रुपये लिए अपने लिए, उसको मैं पास्ता बनाऊंगा, आज पास्ता बना के ही रहूंगा मैं, देखना आज
तुम्हारा भाई इन मुंह रात कुछ भी कर देगा। चलो पहले सामान लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। मैंने दाग सामान ले लिया है, ये चीज़ दुकान में ख़त्म हो गई थी, उन्होंने कहा जरा ला दे, पास में ही दुकान है। और अभी मेरा एक दोस्त भी मिला था, बहुत दिन बाद मिला, बाइक पर जा रहा था, रोक लिया उनके दादाई कहता है ठीक है, अब मैं लेंगे 50 रुपये का पास्ता, फिर अपन रेसिपी देखेंगे कैसी बनेगी। अभी मुझे भी नहीं पता नाश्ता नहीं होगा, चलो देखो। आज अब मैं पास्ता ले रहा हूँ, पास्ता मैक्रोनी दोनों मिक्स, छोटा वाला थोड़ा कम डाल दो वाला, वाला थोड़ा यार। तो चलो गाइस मैं लेके जाता हूँ। देखो गाइस मैं पास्ता ले आया था, ये तो कुछ ही नहीं है, ये तो बहुत सारा था, मैंने इसका आधा इसमें डाल दिया और ये उबल जाएगा, उसमें नमक वमक डाल दे कि थोड़ा जल्दी हो जाए। फटाफट में जाके मसाला पीस लाया, टमाटर प्याज और ये लहसुन और ये दो मिर्च बाद में डालेंगे। अब बस पहले ये काम हो जाए इसका ढक्कन। अबे भैया ये तो छोटी पड़ रही है। अच्छा हमको सिखा रहा है, बढ़िया वाली प्लेट कहाँ होगी। गाइस आखिरकार हमारा पास्ता बॉइल हो चुका है, इसमें मैंने अभी थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल रहने दिया है क्योंकि ये चिपके ना, क्योंकि हमें से चिपकता बहुत टाइम लग गया इसमें। अब बस अब मुझे इसे बनाना, उसके लिए मैं पहले थोड़ा बर्तन ढूंढ लेता हूँ जिसमें बनाऊँगा, ठीक है बाय। गाइस मैंने इसे चढ़ा दिया है, थोड़ा सा पहले गर्म हो गया थोड़ा सा ही, तत्ते में जरा ये लहसुन, थोड़ा सा ये लहसुन है, लहसुन भी नहीं है, इसे काट लेता हूँ। तो देखिए गाइस मैंने काट लिया है, अब मैं इसे धीरे से छोड़ूंगा तेल में, गाइस अब मैं डालूंगा ये पेस्ट। मैंने डाल दिया, मैं इसे भूनूंगा अच्छे से, थोड़ी पकेगी तो मैं जब दिखाता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डालूंगा। तो देखिएगा आज वीडियो ऑन नहीं हुई थी, मम्मी आ नहीं थी, तो अभी मैं मसाले डाल रहा, मैंने डाल दिए मसाले, हल्के हल्के मसाले मैंने थोड़ा मिक्स कर देता हूँ अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे करके थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दे। तो देखिए गाइस अब हमारा पास्ता भी हो गया, ग्रेवी भी हो गई, मैं इसे लेके उसमें डालूंगा। अरे आ जा भाई, एक हाथ से फोन पकड़ रखा है ना तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। पास्ता मैंने इतना उबाला है कि अगर इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो बच जाएगा, तो कल हम ले जा भी सकते हैं। मैंने तीन कप लिया था, तीन कटोरी पास्ता एंड मैक्रोनी। तो अब मैं ये
रेसिपी पहली बार बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि ये कैसी बनेगी। लगता है पास्ता हो जाएगा पूरा, जितनी वो है ग्रेवी इस हिसाब से लग रहा है पास्ता आ जाएगा पूरा। तो गैस में इतने डाल रहा हूँ, इतने थोड़ी देर बाद। गाइस ये मेरा बन गया है पास्ता। मम्मी को थोड़ा सा शायद से नमक तेज लग रहा, मैंने थोड़ी सी टेस्टिंग के लिए दिया और ये देखे रेड है एकदम गर्म है। और अभी मैंने थोड़ा खा के भी देखा तो थोड़ा नमक, कहते हैं ना कि पहली पहली बार में ठीक बना ऐसा, तो सोच के साथ हम खा ही लेंगे। तो आज मम्मी सोच ही रही, मैंने पूरा 2 बजे से लग रहा हूँ मैं फोन देखा, 5 बजे का खाया ना सॉस, खा ले बेटा। तो देखिए गाइस टाइम हो गया रात के 10:30 और मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। और आपने वहाँ तक देखा कि मैंने पास्ता बना लिया, उसके बाद लाई दीदी को बुलाया मैंने और हमने मिलके खाया। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ क्या क्या हुआ उसके बाद। और फिर बाद में 7 बजे करीब डैडी आ गए थे और डैडी ले आए थे आलू बोंडे, कहते हैं शायद से उन्हें, वो ले आए थे तो हमने वो खाया था। उसकी भी मैं वीडियो नहीं बना पाया, आई एम सॉरी। और मैंने और मुझसे पास्ते की वीडियो थोड़ी अच्छी क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैं अकेला था और अकेले फ़ोन से वीडियो बना रहा था और एक हाथ से काम भी कर रहा था और एक हाथ से व्लॉग भी बना रहा था, तो इस वजह से थोड़ी वीडियो अच्छी से नहीं बनी। तो उसके बाद फिर हमने डैडी और मैंने अंडा ब्रेड बनाया और डैडी के लिए रोल बनाए, 2 एग रोल, और मम्मी को मैंने खाना पीना खिला दिया है अच्छे से। अब मम्मी आराम करेंगी, अब थोड़ा सा मैं भी लेटूंगा, डैडी थोड़ा सा काम कर रहे हैं वहाँ पे। और फिर अब आ गया लास्ट चीज़ व्लॉग की एंडिंग। तो थैंक यू गाइस आज का व्लॉग देखने के लिए। देखो दोनों हंस रहे हैं, यहाँ पहली बार कर रहा हूँ ना, तो पूरी रामायण बता दी पूरी रामायण। हाँ भाई पहली बार कर रहा हूँ ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर दबा के कर दो, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो भाई, हमारे 2K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आप लोगों को। और अभी 2000 हुए तभी एक दो दिन पहले और अचानक से हमारे ग्रोथ हुई है और 400 सब्सक्राइबर और बढ़े हमारे, इसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। और बहुत जल्दी आपको 2K की सेलिब्रेशन की वीडियो मिल जाएगी, अगर भगवान की दुआ से हमारे जल्दी से 3K सब्सक्राइबर हो गए तो हम और बढ़िया करेंगे और सीधा 3K सब्सक्राइबर का करेंगे, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ और बतानी थी, 6 तारीख को डैडी का बर्थडे आ रहा है, डैडी के बर्थडे का भी स्पेशल व्लॉग होगा क्योंकि उस दिन मम्मी और मैं कुछ बढ़िया चीज़ प्लान करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना, टाटा बाय बाय, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, भाई का चैनल है तुम्हारे अनमोल का।